हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज शुरू की गई है, जो आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इन क्लासों की प्लेलिस्ट एम के स्टडी चैनल पर उपलब्ध करा दी है और इन क्लासों के प्रश्नों की पीडीएफ एम के स्टडी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप एम के स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यह पेपर सब इंस्पेक्टर का है, जो आरपीएससी के द्वारा 7 अक्टूबर 2018 को कंडक्ट करवाया गया। इस पेपर का कोड 02 है। आइए इसमें जानते हैं राजस्थान जीके के कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ। सबसे पहले पृथ्वीराज प्रथम, दूसरे पर अजयराज, तीसरे नंबर पर अर्णोराज और फोर्थ नंबर पर विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन 4। उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, प्रयागराज भंडारी या देवी शंकर तिवारी। ऑप्शन 3, प्रयागराज भंडारी। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? थेवा कला प्रतापगढ़, मीनाकारी जयपुर, अजरक प्रिंट सांगानेर, टेराकोटा शिल्प मोलेला। ऑप्शन 3, अजरक प्रिंट सांगानेर। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए और कूट के आधार पर नीचे दिए गए सूची में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ लेखक दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। करणी दान के द्वारा सूरज प्रकाश, श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद, मूढ़त नरसी के द्वारा मारवाड़ा परगना विगत और सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर। ऑप्शन 1, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रत्यहार वास्तुशैली का नहीं है?
किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, गांठ मंगलौत का दधीमती माता का मंदिर, या चार चौमा का शिव मंदिर? ऑप्शन चार, चार चौमा का शिव मंदिर। नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, बालर, मादल, गवरी या लूर? ऑप्शन तीन, गवरी। निम्नलिखित में से कौन सी डूनाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल या राठी? ऑप्शन चार, राठी। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई? कर्नल एवोट, कैप्टन सॉवर्स, मेजर वर्टन या कैप्टन मॉक मेसन? ऑप्शन तीन, मेजर वर्टन। स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? नशिया मंदिर अजमेर, रणकपुर मंदिर रणकपुर, दिलवाड़ा मंदिर आबू या नाकोड़ा मंदिर बाड़मेर? ऑप्शन एक, नशिया मंदिर अजमेर। कैलेंडर और उनके प्रारंभिक वर्ष दे रखे हैं, शक संवत 78 ईस्वी, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, हिजरी संवत 622 ईस्वी और गुप्त संवत 319 ईस्वी। ऑप्शन दो, राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षपटलिक की जिम्मेदारी थी मुख्य कोषपाल के रूप में काम करना, मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना या विदेश मंत्री के रूप में काम करना या प्रधानमंत्री के रूप में काम करना? ऑप्शन दो, मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना। मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? चौहान, राठौड़, कछवा या गहलोत? ऑप्शन तीन, कछवा। बोराट का पठार कहाँ अवस्थित है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक,
आमेर से नाहरगढ़ तक या जोधपुर से उत्तरी अजमेर तक? ऑप्शन एक उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित की गई? जैसलमेर, सिरोही, जालौर और चित्तौड़गढ़। जैसलमेर, सिरोही, बांसवाड़ा और जालौर। जैसलमेर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, सवाई माधोपुर। ऑप्शन तीन जैसलमेर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है जुलाई से अगस्त, जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर या मार्च से जून? ऑप्शन तीन अक्टूबर से दिसंबर। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? टोंक, बांसवाड़ा, भरतपुर या प्रतापगढ़? ऑप्शन चार प्रतापगढ़। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास है एक अध्यक्ष और तीन सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सचिव, एक अध्यक्ष और दो सदस्य या एक अध्यक्ष और चार सदस्य? ऑप्शन तीन एक अध्यक्ष और दो सदस्य। राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं मंत्री, सचिव, राज्यपाल या स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष? ऑप्शन एक मंत्री, सचिव और स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है 29+1 मुख्यमंत्री, 11+1 मुख्यमंत्री, 15+1 मुख्यमंत्री, 12+1 मुख्यमंत्री। ऑप्शन दो 11+1 मुख्यमंत्री। राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है? पश्चिमी जिलों में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना, राज्य के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को चिकित्सा बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना, राज्य में आयुर्वेद, होमियो
यूनानी, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना, राज्य के अनुसूचित जाति या जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, ऑप्शन 3, राज्य में आयुर्वेद, होमियो, यूनानी, योगा तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना, परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई के लिए परंपरागत विधियों को अपनाना, जैविक खेतों को खेती को प्रोत्साहित करना, वर्षा जल के संरक्षण की तकनीक को अपनाना या कृषि में यांत्रिक विधियों के प्रयोग को कम करना। ऑप्शन 2, जैविक खेती को प्रोत्साहित करना। कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया? 2002, 2010, 2016 या 1972? ऑप्शन 2, 2010। राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999, 2000, 2005, 6, 2010, 11 या 2011, 12? ऑप्शन 1, 1999, 2000। निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? सूरतगढ़, चवड़ा, काली सिंध या कोटा? ऑप्शन 1, सूरतगढ़। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव USP नहीं है? पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन, जिसे शाही रेल कहा जाता है, किले, महल और हवेलियाँ, मेले और त्यौहार या चिकित्सकीय पर्यटन? ऑप्शन 4, चिकित्सकीय पर्यटन। निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? ऐश्वर्या, मंगला, गंगा या सरस्वती? ऑप्शन 3, गंगा। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती? फतेह सागर झील, नक्की झील, स्वरूप सागर झील या अन्ना सागर झील?
ऑप्शन 3 स्वरूप सागर झील, राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना, बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, अनुसूचित जाति या जनजाति और पिछड़ा वर्ग की बेरोजगार बालिकाओं को प्रशिक्षण देना, असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना। ऑप्शन 1 निर्धन महिलाओं और विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाला कार्यक्रम MPOWR किसके द्वारा समर्थित है? एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जीका द्वारा, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD और रतन टाटा का ट्रस्ट द्वारा, कैनेडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी CIDA द्वारा। ऑप्शन 3 कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD द्वारा और रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा। राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया? परवन परियोजना, धौलपुर लिफ्ट परियोजना, नर्मदा कैनाल परियोजना या तकली परियोजना? ऑप्शन 3 नर्मदा कैनाल परियोजना। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है डूमाड़ा, अजमेर, मंडोर, जोधपुर, बीचवाल, बीकानेर या दुर्गापुरा, जयपुर? ऑप्शन 1 डूमाड़ा, अजमेर। दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान की विगत भर्ती परीक्षाओं में इंडिया जीके से पूछे गए प्रश्नों की भी एक सीरीज शुरू की गई है, जो आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आप MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उन्हें मिल सके।